2002 में एक सपना उड़ान भरा। यह सपना था अंतरिक्ष को सभी के लिए सुलभ बनाने का और इसे साकार करने का बीड़ा उठाया एलन मस्क ने, जो एक छोटे से स्टार्टअप के रूप में शुरू हुआ एक छोटे से कार्यालय में कुछ समर्पित इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के साथ। वह जल्द ही एक विशाल अंतरिक्ष कंपनी में बदल गया, एक साहसिक दृष्टिकोण के साथ अंतरिक्ष यात्रा को क्रांतिकारी बनाने का। वह जल्द ही मानवता के सबसे बड़े प्रयासों में से एक बन गया। स्पेसएक्स ने न केवल अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाने का लक्ष्य रखा बल्कि इसे पूरी तरह से पुनः उपयोगी बनाने का भी। यह है स्पेसएक्स की कहानी, एक कहानी जो हमें दिखाती है कि कैसे एक विचार, एक दृष्टि और एक दृढ़ संकल्प दुनिया को बदल सकता है। एक यात्रा जो विनम्र शुरुआत से लेकर सितारों तक पहुंची। यह यात्रा केवल तकनीकी प्रगति की नहीं बल्कि मानवता की सीमाओं को आगे बढ़ाने की भी है। रास्ता आसान नहीं था, हर सफलता के पीछे कई असफलताएं छिपी होती हैं। पहले 3 फाल्कन 1 रॉकेट अपनी कक्षा में पहुंचने में विफल रहे। यह एक बड़ा झटका था लेकिन यह केवल शुरुआत थी। आलोचक शक कर रहे थे, वे कह रहे थे कि यह असंभव है कि एक निजी कंपनी कभी भी अंतरिक्ष में सफल नहीं हो सकती। लेकिन स्पेसएक्स ने हार नहीं मानी और अंतरिक्ष को सभी के लिए सुलभ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता जारी रखी। उन्होंने अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया और हर असफलता से सीखते हुए आगे बढ़ते रहे। और फिर 2008 में सब कुछ बदल गया। यह वह क्षण था जब स्पेसएक्स ने अपनी पहली बड़ी सफलता हासिल की। फाल्कन एक पहला निजी विकसित रॉकेट बन गया जिसने कक्षा में सफलता पाई। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नए युग की शुरुआत की। यह सफलता न केवल स्पेसएक्स के लिए बल्कि पूरे अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक मील का पत्थर थी। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नए युग की शुरुआत की। इस सफलता ने स्पेसएक्स को एक नई दिशा दी और उन्हें और भी बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। स्पेसएक्स ने यही नहीं रुका, उन्होंने अपने लक्ष्यों को और भी ऊंचा रखा। फाल्कन 9 और ड्रैगन अंतरिक्षयान ने क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक कार्गो पहुंचाया और यह साबित कर दिया कि पूर्ण उपयोग से अंतरिक्ष मिशनों की लागत को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यह एक बड़ी उपलब्धि थी जिसने अंतरिक्ष यात्रा को और भी सुलभ बना दिया। 2015 में स्पेसएक्स ने असंभव को संभव किया। यह वह क्षण था जब उन्होंने दुनिया को दिखाया कि पूर्ण उपयोगी रॉकेट एक वास्तविकता बन सकते हैं। पहली बार एक फाल्कन 9 बूस्टर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटा और दोबारा उपयोग किया गया, अंतरिक्ष मिशनों की लागत को कम कर दिया और वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा के लिए मार्ग प्रशस्त किया। यह एक तकनीकी चमत्कार था जिसने अंतरिक्ष यात्रा के भविष्य को बदल दिया। 2020 में स्पेसएक्स ने फिर से इतिहास रचा जब क्रू ड्रैगन नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने वाला पहला निजी स्पेसक्राफ्ट बन गया। यह सिर्फ स्पेसएक्स के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बड़ी जीत थी। यह एक संकेत था कि निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। लेकिन एलन मस्क का सपना हमेशा इससे बड़ा था। उनका लक्ष्य केवल पृथ्वी की कक्षा तक सीमित नहीं था। फाल्कन 9 तो सिर्फ शुरुआत थी, अगला कदम स्टारशिप। यह एक पूरी तरह से पूर्ण उपयोग होने वाला अंतरिक्षयान है जो मनुष्यों को चांद, मंगल और उससे भी आगे ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक पूरी तरह से पूर्ण उपयोग होने वाला अंतरिक्षयान जो मनुष्यों को चांद, मंगल और उससे भी आगे ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टारशिप का उद्देश्य न केवल अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता बनाना है बल्कि इसे पूरी तरह से पूर्ण उपयोगी बनाना भी है। कई कोशिशों और असफलताओं के बाद स्पेसएक्स ने स्टारशिप में अविश्वसनीय प्रगति की, दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट विकसित करते हुए जो मानव जाति को अब तक की सबसे गहरी अंतरिक्ष यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार है। यह रॉकेट न केवल तकनीकी दृष्टि से उन्नत है बल्कि यह मानवता के लिए एक नई उम्मीद भी है। स्पेसएक्स सिर्फ एक कंपनी नहीं है, यह एक मिशन है मानवता को बहुग्रह बनाने का। यह मिशन केवल तकनीकी प्रगति तक सीमित नहीं है बल्कि यह मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का भी है। चांद और मंगल सिर्फ मील के पत्थर हैं, यह केवल शुरुआत है और स्पेसएक्स का लक्ष्य इनसे भी आगे जाना है। एलन मस्क का सपना है एक आत्मनिर्भर सभ्यता की स्थापना और यह सपना अब पहले से कहीं अधिक करीब है। यह सपना केवल विज्ञान कथा नहीं है बल्कि यह एक वास्तविकता बनने की कगार पर है। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य सिर्फ और दूर जाने के बारे में नहीं है, यह वहां रुकने के बारे में है, यह वहां एक नई दुनिया बसाने के बारे में है, यह निर्माण, खोज और पृथ्वी से परे जीवन जीने के बारे में है। यह एक नई सभ्यता की शुरुआत है जो अंतरिक्ष में बसने के लिए तैयार है और इस नए युग में
स्पेसएक्स अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वे न केवल तकनीकी दृष्टि से आगे हैं, बल्कि वे मानवता के भविष्य को भी आकार दे रहे हैं। जो सपना 2002 में शुरू हुआ था, वह अब एक वास्तविकता बन गया है, और यह यात्रा अभी शुरू ही हुई। यह यात्रा केवल स्पेसएक्स की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की है। पहले रॉकेट से लेकर पूर्ण उपयोग किए जाने वाले स्पेसक्राफ्ट तक, कार्गो मिशनों से लेकर मानव अंतरिक्ष उड़ानों तक, स्पेसएक्स अंतरिक्ष अन्वेषण का इतिहास फिर से लिख रहा है। वे हर कदम पर नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और नए मील के पत्थर स्थापित कर रहे हैं। भविष्य सितारों में है। यह भविष्य केवल विज्ञान कथा नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविकता बनने की कगार पर है, और स्पेसएक्स हमें वहां ले जा रहा है। वे हमें एक नई दुनिया की ओर ले जा रहे हैं, जहां सीमाएं केवल हमारी कल्पना में है। स्पेसएक्स पृथ्वी से सितारों तक और उससे भी आगे, ये यात्रा केवल शुरू हुई है, और इसके आगे की राह असीमित है।